हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम, और टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम लाइबिलिटी को समझने वाले हैं, दायित्व को समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एसेट्स को समझा था, एसेट्स के टाइप को समझा था, एसेट्स को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा था। तो चलिए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह के कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की अगर हिंदी की बात करें तो लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या देनदारी। यहाँ पे आर्थिक देनदारी की बात होती है कि अगर हम कहीं किसी से पैसा लिए हैं या फिर कोई सामान गुड्स को हमने उधार परचेज किया है, तो उसको हमने जो परचेज किया है तो उसका उधार हमें तो चुकता करना है, तो वो जो हमारी देनदारी है उसी को हम बोलेंगे लाइबिलिटी। तो इसके कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेब्ट टेकन इन द बिजनेस फ्रॉम सम टाइम पीरियड, कुछ समय काल के लिए हमने बिजनेस में कुछ उधार लिया है, कर्ज लिया है, तो उसी को हम यहाँ पे देनदारी कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। अब जो भी हमारे ऊपर कर्ज है वो सारे कर्ज हमारे क्या कहलाएंगे, तो लाइबिलिटी कहलाएंगे। यहाँ पे जो डेट यूज किया गया है इसका मतलब होता है ऋण। अगला पॉइंट अगर हम समझे तो यहाँ पे लिख रहा है दिस टाइम पीरियड इज लीगल डेट, और ये जो डेट हमने लिया है यानी कि जो उधार जो कर्ज हमने लिया है ये एक लीगल टाइम पीरियड के लिए होगा, या तो कागजी होगा कि हमने एक साल के अंदर अंदर चुकता करना है, या एक महीने के अंदर अंदर चुकता करना है, या फिर हमने पाँच साल के लिए लोन लिया है, पांच साल के लिए कर्ज लिया है, तो कुछ एक निश्चित समय काल के लिए एक हमारा उधार होगा, उसके कुछ वैल्यू होगा, और उसको हमने उस समय काल के भीतर भीतर हमें उस पेमेंट को सेटल करना होता है। तो अगला पॉइंट यही कह रहा है दिस अमाउंट हैज टू बी सेटल्ड ओवर द टाइम पीरियड। अब जो निश्चित समय काल के लिए हमने जो पैसा उधार लिया है या कर्ज लिया है या फिर सामान हमने परचेज किया हुआ है, वो भी डेप्ट पे यानी कि कर्ज पे, तो वो सारे हमारे देनदारी कहलाएंगे। वो हमारे बिजनेस से उस पैसे को हमें निकाल के, जिससे भी हमने कर्ज लिया है, जो भी हमारे डेटर्स हैं उनको हमें पैसे पे करने होते हैं। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्रोसरी का दुकान है और हमने एक पैकेट आटा परचेज किया, और ये जो मैंने परचेज किया ये हमने डेट पे लिया, यानी कि ये मेरा उधार है, ठीक है, हमने उधार परचेज किया है, तो इसको हमने एक महीने, दस दिन, पंद्रह दिन के अंदर अंदर हमने इसका पेमेंट हमें चुकता करना होगा। तो ये एक हमारा दायित्व कहलाएगा, एक हमारा देनदारी है। इस आटा का जो पैसा होगा जो मैंने उधार खरीदा है, इसको हमें एक ना एक दिन तो पेमेंट करना ही है। तो पेमेंट कहाँ से होगा, तो हमारे बैंक से उस पैसे को निकाला जाएगा, हमारे बिजनेस से, हमारे कंपनी से, या फिर हमारे घर से पैसा वो जाएगा, हमारे तरफ से यहाँ से पैसा निकलने वाला है। तो ये एक देनदारी है जो कि हमें एक ना एक समय के अंदर हमें उसको पेमेंट करना होता है, देना होता है। एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि बैंक लोन। हमने बैंक से कोई लोन लिया है और ये लोन सपोज मान लीजिए कि 5 साल के लिए हमने लिया है या 10 साल के लिए हमने लिया है, जो मोर देन 1 ईयर हम कह सकते हैं कि हमने एक बहुत लंबे समय के लिए लोन लिया है जिसको हमें 10 साल तक हम चुका सकते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भी एक हमारा दायित्व है, या तो हमने कर्ज लिया है या तो हमने कोई सामान परचेज किया उधार, तो ये सभी हमारे क्या है, पैसे देना है, एक ना एक दिन हमें इसको पेमेंट करना है, तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, देनदारी कहलाएंगे, दायित्व कहलाएंगे, लाइबिलिटी कहलाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या फिर मन में आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसके टाइप्स भी होते हैं, तो इसके टाइप्स हमारे पास दो तरीके के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड सेकेंड जो है वो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे क्या कहता है, तो लिख रहा है टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, यानी कि जो भी हमने उधार लिया है या कर्ज लिया है ये एक साल के अंदर अंदर अगर हमने चुकता कर लिया या फिर उसकी जो टाइम पीरियड है, लास्ट डेट है, वो 1 ईयर के अंदर है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाएगा। अगर वही लोन या फिर वही उधार जो हमने खरीदा है तो वो हमने क्या किया है, एक साल से ज्यादा के लिए लिया। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि हमने बैंक से लोन लिया जो कि 5 ईयर के लिए है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर, एक साल से जो ज्यादा हम उसको पेमेंट करते रहेंगे तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाएंगे। ओके, अब हम लाइबिलिटी क्यों लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम उधार क्यों खरीदते हैं, हम कर्ज क्यों लेते हैं। दो कारण है,
जिसके कारण हम लाइबिलिटी लेते हैं, सबसे पहले कारण ये है कि हमारा जो कैपिटल है वो वीक है। अब कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल आपको समझना है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में कैपिटल के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। कैपिटल मींस होता है पूंजी, और पूंजी क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमारी पूंजी कमजोर है तो हम कर्ज लेते हैं। अगर आपको कैपिटल नहीं पता है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कैपिटल के बारे में समझ सकते हैं, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो अगर हमारे पास कैपिटल कमजोर है तो कैपिटल हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट्स लिखा हुआ है वो है इनहैंस बिजनेस, यानी कि पूंजी भी ठीक ठाक है लेकिन हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाना चाहते हैं तो और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब एसेट्स मैंने वर्ड यूज किया, एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या है, तो अगर आपको एसेट्स के बारे में जानना है तो इसके बस लास्ट वाले वीडियो में मैंने एसेट समझाया हुआ है, तो आप उसे जरूर देख ले ताकि आपको आगे समझना आसान हो जाएगा। अभी हम एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला भी देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे उस फॉर्मूला को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, उसके बेस पे एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी के मदद से एक फॉर्मूला है जो कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, खैर ये नेक्स्ट वीडियो की बात है, तो हम अगले क्लास में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम लायबिलिटी को समझ रहे थे। तो लायबिलिटी हमने क्या समझा, तो लायबिलिटी वो होता है जो हमारा कर्ज होता है, जो हमने उधार माल खरीदा हुआ है तो उनको जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो हमारा लायबिलिटी कहलाएगा। और लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म वो होता है जो कि वन ईयर के अंदर अंदर हमें उसको पेमेंट करना होता है, उसका सेटलमेंट करना होता है। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होता है जो कि मोर देन वन ईयर में हम उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, उसका पेमेंट का हम चुकता कर सकते हैं, जो भी हिसाब किताब है वो हम कर सकते हैं आफ्टर वन ईयर, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। और अपने कैपिटल बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लायबिलिटी लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जो अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट का जो जॉब होता है वो हर एक छोटे से छोटे कंपनी से लेकर बड़े से बड़े कंपनी, इवन छोटे मोटे दुकान होते हैं वहां भी इनका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यानी कि हर जगह पे इसका यूज है। तो आप अच्छे से एक अच्छा सा अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर इस तरह के और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और सबसे पहले मिले। और हमारे इस चैनल पे हर सुबह 9 बजे एक नई वीडियो अपलोड होता है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। कंप्यूटर से ढेर सारी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि फ्री में हमारा जो बिहार है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, गाँव समाज है, वो सभी एजुकेटेड हो सके और डिजिटली एजुकेटेड हो सके, क्योंकि डिजिटल पढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया। तो डिजिटल इंडिया बनाने के मिशन में एक शेयर तो बनता है, इसे शेयर करें, हो सके तो इसे अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।